नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल एजुकेशन एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आप विद इन 5-6 मिनट आज इंपेरेटिव सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस की तीन पहचान बनाई है हमने, नंबर 1 ऑर्डर, नंबर 2 रिक्वेस्ट और नंबर 3 फॉरबिड मींस मना करना। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई किसी को ऑर्डर देता है, कोई किसी को कोई काम करने के लिए मना करता है या कोई किसी से कोई रिक्वेस्ट करता है, ये सेंटेंस इंपेरेटिव कहलाते हैं। हाँ, सलाह देना भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी है, लेकिन ज्यादातर हम इसे इंपेरेटिव से यूज नहीं करते क्योंकि सलाह देने के लिए हमारे दिमाग में ज्यादातर शुड का यूज होता है, तो सभी लोग ज्यादातर शुड का प्रयोग करते हैं। हालांकि हम कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंस से भी सलाह देने का काम करते हैं, जैसे कि हम किसी को कहते हैं टेक सम मेडिसिन, थोड़ी सी दवाई ले लो, तो ये भी एक तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। ठीक है, तो अब इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाना कैसे है। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में दो फॉर्मूलेज आते हैं। नंबर 1 पे सिंपल है, नंबर 2 पे नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन नहीं होती और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव की भी फॉर्मेशन नहीं होती। तो सिंपल सेंटेंस का क्या रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती और ना ही इनमें सब्जेक्ट मोस्टली होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को आप भूल जाएं। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या नेवर का यूज होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है देन ऑब्जेक्ट। अब ये डू नॉट हमें कब यूज करना है, जब आपके सेंटेंस में मत या नहीं शब्द दिया गया होगा। और नेवर का यूज आपको कब करना है, जब आपके सेंटेंस में कभी नहीं या कभी मत शब्द का यूज होगा। जैसे कि हम किसी किसी को कहते हैं भाई शराब कभी मत पियो, वहां कभी नहीं जाना। ठीक है, तो कभी नहीं शब्द के लिए हम नेवर का यूज करेंगे और सिर्फ नहीं और मत के लिए हम डू नॉट का यूज करेंगे। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, एक गिलास पानी लाओ। क्या हुआ इस सेंटेंस में, हमने किसी को ऑर्डर दिया कि भाई एक गिलास पानी लाओ। तो हमने सेंटेंस कैसे बनाना है, ये सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, लाओ मतलब लाना, ब्रिंग, और ये सारा हमारा क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। यहां शोर मत करो, मत मतलब नहीं करो, तो नहीं के लिए हमें क्या यूज करना है, डू नॉट या नेवर में से कोई एक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर कभी नहीं तो आया नहीं, जो हम इस पे नेवर यूज करते, इसलिए हम डू नॉट का यूज करेंगे। डू नॉट मेक अ नॉइज हियर, हियर मतलब यहां, यहां शोर मत करो। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कृपया मेरा होमवर्क कर दो, कृपया मींस कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी सिंपल कैटेगरी में आता है। सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, करना मतलब डू, डू माय होमवर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट है। प्लीज, प्लीज मतलब कृपया। आप चाहें तो इस सेंटेंस में प्लीज पहले भी लगा सकते हैं और उसके बाद कॉमा लगा के आप बोल सकते हैं प्लीज डू माय होमवर्क। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें आप किसी को कोई ऑर्डर देते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।